है। तो आज के ब्लॉग में फिर से एक सेलिब्रेशन होने वाला है और कुछ रेसिपीज भी हैं, तो उसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ कि मेरा एक नया चैनल है मेक इट स्पार्क। तो मेरे इस न्यू चैनल में आपको मिलेगा बहुत सारे DIY और कॉमेडी वीडियो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जाकर देखें नए नए कॉमेडी वीडियोज़ और DIY। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, एक बार ज़रूर जाके पहुँच। ये है ब्रह्म कमल का फूल जो कि रात में ही खिलता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये खिला था आज हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक इसका व्यू शेयर करूं, बहुत ही प्यारा लगता है। और सुबह होते ही ये इस तरह से कली बन जाता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने ये फूल पहले देखा है। ये मेरे लिए भी नया था जब हमारे घर पर आया था। मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं सुबह से ही ब्लॉग बना रही हूँ और आज फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने इन-लॉज के यहाँ से ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं और ये देखिए मौसम काफ़ी अच्छा, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की, तो नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी फ्राई, साथ में रोटी या पराठे कुछ बनेंगे। और जो सब्ज़ी वगैरह भी कुछ बनेगी तो उतना ज़्यादा मैं शूट नहीं करूँगी, साथ में चाय भी बन रही है मेरी। तो भिंडी मैं इसी तरह से फ्राई करती हूँ, मुझे इसी तरह से पसंद है। ऑयल में मैंने पहले मेथी और हरी मिर्च डालकर भिंडी फ्राई कर लिया है। जब भिंडी 60% फ्राई हो जाए तो उतना ही इक्वल अमाउंट का हम प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। बीच में मैंने थोड़ा ऑयल और डाल लिया था, मुझे कम लग रहा था। और अब इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसमें ज़्यादा मसाले मैं नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ हल्दी नमक ऐड करूँगी। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये पूरा ब्राउन ना हो जाए। प्याज इसलिए बाद में ऐड करते हैं क्योंकि वो जल ना जाए, क्योंकि भिंडी और प्याज को फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर प्याज मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूँगी तो प्याज बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा और भिंडी बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए हमारी भिंडी फ्राई रेडी है। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह बनाकर रेडी होने वाली हूँ और मैं कहाँ जाने वाली हूँ अब आगे आगे देखेंगे इस वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के घर पे और यहाँ पे आज क्या सेलिब्रेशन है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और नीव ने एक छोटा सा चैलेंज वीडियो भी बनाया है, खुद से उसने वो क्रिएट किया है, तो आप ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है बर्थडे केक और आज है मेरी मम्मी का बर्थडे, आज 30th of May है, तो मम्मी का बर्थडे है तो हम वही सेलिब्रेट करने आए हैं ये आफ्टरनून में, और इवनिंग तब मैं वापस चली जाऊँगी। बस बेटा गिन जो ओहो निकल गया, चलो नानी काट देगी, रुको बस छोड़ दो, तुम निकाल देंगे हलवा, केक हलवा कहेंगे मैं केक हलवा। बाय बाय, अच्छा हम भी खाएंगे।
अरे टूटू मैं खिलाओ तो नीव को ये चैलेंज वीडियो बहुत दिनों से खाने का मन था क्योंकि उसे खाना था चिप्स, तो फर्स्ट राउंड में तो वो हार गया पर फिर हमने उसे जिता दिया बाद में। नीव इधर घूम के बताओ। ओके बहुत अच्छा। तो लंच वगैरह करके और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के अब मैं वापस चली जाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जो भी नए हो और एंड तक देखना। तो इवनिंग हो गया है, मैं वापस आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ इवनिंग स्नैक्स यानी कि पास्ता। और ये कढ़ाई आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें अभी अभी आलू वगैरह फ्राई हुआ है डिनर के लिए, तो मैंने सोचा उसी में बना लेती हूँ पास्ता। तो ऑयल में मैंने डाल दिया है गार्लिक चॉप करके, उसमें डालूंगी अनियन चॉप करके और फिर मैं ऐड करूंगी बॉयल्ड पास्ता। तो नीव के लिए बिना मिर्ची का निकाल लूंगी और फिर बाद में हम थोड़े बहुत इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी एक लोकली मेड मसाला है, ये मिक्स मसाला है जो कि ऑलमोस्ट मैगी मसाला जैसा ही टेस्ट करता है। अगर आप इसको सब्ज़ी वगैरह में या फिर आप पास्ता वगैरह में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट। तो नीव के लिए सेपरेट कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चिली सॉस और इसे बनाएंगे हम थोड़ा सा स्पाइसी। तो ये मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में पास्ता बनाया है। इवनिंग में मुझे और ब्रेकफास्ट में मुझे इसी टाइप से पास्ता पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा रेड सॉस पास्ता या फिर वाइट सॉस पास्ता उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभार खा लेती हूँ, पर इस तरह से स्पाइसी देसी वाला पास्ता ज़्यादा पसंद है और हमारे यहाँ सब ऐसे ही पसंद करते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैंने ये बनाया है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये फटाक से। तो इस सिंपल पास्ता रेसिपी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।